दोस्तों आज हम लोग मुंह में पानी ला देने वाले चटपटा समोसा चाट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं या किसी मेहमान के आने पर इसे तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समोसा चाट बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट मटर को 7 से 8 घंटा भिगोकर रख देंगे या इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज के आलू, जिसका छिलका हटाकर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक कुक करेंगे। यहाँ पर 6 सीटी लग गई है और कुकर भी ठंडा हो गया है, तो मटर और आलू को चेक कर लेते हैं कि यह अच्छे से पके हैं या नहीं। तो देखिए यह अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मैं एक मटर को आपको मैश करके दिखाती हूँ। यह इजीली मैश हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से पके हैं। तो अब इसमें आलू को यहीं पे तोड़ देंगे मोटा मोटा। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे ढक देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई गरम होने चढ़ाया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के गरम होते ही डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता को मैंने तोड़ कर डाल दिया है, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 पिंच हींग। इन सबको कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे और अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसे भी कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं। इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, तो अब इसके साथ ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छी तरह पका लेंगे। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने मटर बॉयल करते समय भी डाला था, तो उसे ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे। अब इसके साथ डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से चाट का बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इन सबको अच्छी तरह पका लेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो अब इसके साथ ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ मटर और आलू और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर यह ठीक लगे तो यहाँ पे गुनगुना पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी ले रही हूँ और इसे भी मिला लेंगे। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे रोस्टेड मूंगफली और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे और ढक्कन बंद करके इसमें 1 उबाल आने तक पकाएंगे। दो से 3 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और देखिए इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया है। तो यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता और धनिया पत्ता को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। यहाँ पे अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चलिए इसका प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समोसा तोड़ लेंगे। अगर आपको समोसा की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके ऊपर गर्मा गर्म डाल देंगे मटर और इसके साथ डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच इमली का पल्प ली हूँ, इसे ऐड कर देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले सभी रोस्टेड हैं, इसमें सबसे पहले मैं डाली हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे ऐड करेंगे काला नमक, जिससे चाट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे चाट को भुजिया से गार्निशिंग करेंगे, जिससे चाट और भी टेम्पटिंग दिखेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं और अब आपका गर्मा गर्म चटपटा चाट बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह समोसा चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इसी तरह के एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।